अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं ये अज्यूम करता हूँ या तो आप टेलीकॉलर की जॉब करना चाहते हो या तो बस क्यूरियस हो कि एक्चुअली इस जॉब में करना क्या होता है। और इस जॉब से रिलेटेड मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन है जो आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से कॉल सेंटर के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ। और अगर हम और आप पहली बार भी मिल रहे हैं तो मैं पेशे से एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ एंड ओवर द ईयर्स आई रिक्रूटेड फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। सो जो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर आप यकीनन भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अगर वैल्यूएबल लगे तो लाइक, और इस पर कमेंट कर देंगे अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूं। पहले सिंपल भाषा में ये बता देता हूँ कि टेलीकॉलर कहते किसे हैं और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला चीज, टेलीकॉलर का सिंपल सा मतलब है वेयर वी हैव टू कॉल आउट द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ, या तो हम किसी का सर्वे कंडक्ट के लिए हम उसको कॉल कर सकते हैं, या तो लीड जनरेशन के लिए, या तो कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, और लास्ट ऑफ कोर्स सेल्स के लिए। इस जॉब को पाने के लिए अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई जगहों पर ग्रेजुएशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप 12th 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेते हो तो आप इंटरनेशनल, डोमेस्टिक किसी भी अच्छे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फ्रेशर के लिए भी इजीली एप्लीकेबल हो जाते हो। अब जी बातचीत करते हैं स्किल्स के बारे में। अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो दो ही चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती हैं। पहला है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो खाली इंग्लिश ही नहीं, ऑफकोर्स अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है सो दैट विल बी हायर चांस कि आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ज़्यादातर EQ देखते हैं, इमोशन कोशेंट। अब उसमें क्या क्या आ जाता है जी, कि आप बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं हो जाते हैं, आप नॉर्मली एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बातचीत करूँ तो मैंने इस प्रोफाइल के लिए पिछले 5 साल से रिक्रूट किया है, तो ओवर द इयर्स मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, दोनों भी आपको बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं जी बुरी बातों से। फर्स्ट पॉइंट, दिस जॉब इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अब इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि कई बार आपको बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, तो आपका सेल्फ इस्टीम तो इतना लो नहीं है कि आप ऐसे सोचने लग जाओगे कि नहीं मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, मैं ही गलत हूँ, ऐसे वैसे। दूसरी चीज़ ऐसे भी हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हो, कि आप ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते हो, शाई टाइप के हो, तो भी ये आपके लिए नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, इन दैट सिनारियो कई बार ही हमें रिजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में कई लोग भड़क जाएंगे, तो जिसको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जिसको ये प्रोडक्ट जिसके लिए फिट नहीं है, वो सबको संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी सेल्स एक एवरेजेस का गेम है। इसको अगर आप ऐसे तरीके से समझो कि दिन भर में अगर आप 300 लोगों को कॉल करोगे तो 30 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 30 में से 3 लोग सीरियस निकलेंगे और उसमें से एक बंदा कोई प्रोडक्ट को खरीद लेगा। सो इट्स जस्ट अ नंबर्स गेम, और ये करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। तो अगर आप वैसे टाइप के नहीं हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं। दूसरी इसकी बुरी चीज़ जो मैंने समझी वो है जी प्रेशर। कई लोग प्रेशर में अच्छे से काम नहीं कर पाते, दैट्स जस्ट अ फैक्ट। एंड ये जो एक काम होता है, ऑफकोर्स जब आप सेल्स में जाते हो तो वहाँ पे एक टारगेट होता है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए कई बार अपर मैनेजमेंट, टीम लीडर, मैनेजर आप पर प्रेशर पुट करता है। तो अगर आप उसको झेल सकते हो तो बिल्कुल ये आपके लिए सही है, बट अगर आपको वो सारा प्रेशर नहीं चाहिए सो आई डोंट थिंक सो दिस जॉब इज़ अ प्रॉपर फिट फॉर यू। थर्ड, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार ये ऐसे होता है कि आपको मंथली टारगेट अचीव करने होते हैं, आप प्रेशर में चल रहे होते हो, कई बार ये सोच रहे होते हो कि आप परफॉर्मेंस उतना आया नहीं तो ऊपर से और प्रेशर आ रहा है, और ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाता है कि जो भी काम की चीज़ें होती हैं वो आपके लाइफ में थोड़ी थोड़ी आपको बॉदर करने लगती है। सो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है। और कई बार अगर कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें आपका अगर टारगेट वगैरह अचीव नहीं हो तो उसके लिए आपको शायद 1-2 घंटा ज़्यादा बैठना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें भी होती। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सारी ही सिचुएशन हर एक जॉब में आपको फेस करनी ही पड़ती है। सो जो चीज़ में आप अच्छे हो आप प्लीज़ उसको ही ट्राई करो। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉन, यानी कि इसके फ़ायदे ज़्यादा है। पहला तो इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। कहने का मतलब क्या है जी, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करते थे, जो लोग थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट शाई टाइप के हुआ करते थे, बट दे वॉन्टेड टू वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसके लिए उन्होंने ये जॉब ट्राई करी। इससे वो थोड़ा बहुत ओपन अप हुए, उनको बात करने का तरीका आया, एंड उसके लिए ये जॉब बहुत ही
अच्छा काम करता है। दूसरा फायदा यह है कि आप ये सीखते हो कि हाउ टू डील विद द रिजेक्शन। अब इसका कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा कि बहुत बार इसमें रिजेक्शन का आपको चीज़ मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर आप दिन भर 100 कॉल भी करोगे तो आपको 10 मिलेंगे, 10 में से एक कोई खरीदेगा। इससे कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बट आप अगर ये समझ जाते हो कि वो रिजेक्ट आपको नहीं कर रहे, ये जो भी कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं उसका जो कुछ भी ऑफर है, जो कुछ भी प्रोडक्ट है, वो उसके लिए शायद सही फिट नहीं होगा, वो शायद उस वो टाइम सही नहीं रहा होगा कि जब आप उनसे बातचीत करो, इसके लिए वो रिजेक्ट हो गया होगा। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि यार हाँ, रिजेक्शन होता है, बट यू हैव टू मूव ऑन एंड जस्ट गो टू द नेक्स्ट कॉल, राइट। इसका जी तीसरा फायदा है, आप ये सीखते हैं कि हाउ टू निगोशिएट। निगोशिएट कैसे किया जाए, बेसिकली उनको कैसा ऑफर चाहिए, ऑफर में हो क्या वो पैसे को लेकर तो कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो उसको आप क्या ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप उनको लोन प्रोवाइड करके दे सकते हो, या तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप निगोशिएशन में सीख जाते हो। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये सीखते हो, हाउ टू सेल। बेसिकली अगर आप इतने टाइम से एक ही काम करते करते चले जाओगे, ऑफकोर्स आप उसमें अच्छे होते चले जाओगे। और मेरे को लगता है अगर आपने सेल करना सीख लिया तो आप जिंदगी में और भी इसको बाकी दूसरे दूसरे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। उसके एक सिंपल से एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ कि कोई भी अगर ग्रुप होता है, उसमें 4-5 दोस्त होंगे, बट उसमें से एक दोस्त ऐसे कुछ तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है कि यार अपन ना वहां पे चलते हैं, क्योंकि वहां की ना वो वाली चीज, वो बंदा क्या ही मस्त बनाता है, वहां पे अपन बहुत सारे अच्छे फोटोज ले सकते हैं, उसके बाद में अपन वहां घूम के उसके बाद में घर भी आ सकते हैं, और ये सब इतने टाइम में हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, उसने उस ट्रैवल डेस्टिनेशन को इतने अच्छे से सेल किया है कि वहां पर बाकी के सारे क्रू जाने के लिए रेडी हो गया। सो इसीलिए सेल्स अगर आप कर लेते हो तो ये आपको लाइफ में हर एक जगह पर काम आ जाती है। आखिरी फायदा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो है जी इंसेंटिव। इंसेंटिव से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कंपनी के लिए अच्छी खासी सेल ला रहे हैं, यानी कि पैसे ला रहे हैं, तो कंपनी भी आपको उसमें से इंसेंटिव देती है, जिसमें आप आपकी सैलरी तो ले ही रहे हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप आपके इंसेंटिव्स भी ले जाते हैं। ये सबसे जी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप फ्रेशर हैं और काम सीखना चाहते हैं, आई एम हाईली इंकरेजिंग यू टू गो फॉर दिस प्रोफाइल, बिकॉज यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएगी, आप ठीक ठाक पैसे भी बनाना स्टार्ट कर दोगे, इसके बाद में आप कई और पे भी स्विच कर सकते हो, बिकॉज तब तक आपके पास में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाती है एंड प्लस आपके पास में एक्सपीरियंस भी आ जाता है। अगर अब तक यहाँ पर आप टिके हो तो आपके लिए एक बोनस, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, मैंने बहुत सारे BPO कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ बना के रखे हैं, अगर आप उसको देख लोगे आपके और भी जो भी बचे सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको BPO सेक्टर में कुछ भी अगर ईमेल एंड चैट प्रोसेस में ट्राई करना है, अगर इनकमिंग लेट्स से कस्टमर सर्विस के लिए ट्राई करना है तो उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं वो सब में मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अगर आप मुंबई में रहते हो और जॉब ढूंढना चाह रहे हो कॉल सेंटर में, तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पर अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको जॉब के लिए हेल्प करूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो, और इस पर कॉमेंट कर दीजिएगा कुछ नहीं समझ में आया हो तो मैं उसके लिए भी हेल्प कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जी, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, अगर लंबी बातचीत करनी हो तो वहां पर मैसेज कर देना, आई विल वॉच यू देयर एज़ वेल। अभी के लिए जी चलिए, बाय बाय।